स्वागत तो करो हमारा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है। न्यू सॉन्ग के साथ में वीडियो एडिटिंग लेके आया हूँ, तो गाइस प्लीज वीडियो को पूरा देखना, तभी आप अच्छे से सीख पाओगे और समझ पाओगे। ओके, तो गाइस इस वीडियो में जो भी मटेरियल यूज होगा सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप उसी मटेरियल को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, और गाइस वीडियो बनाने में या फिर मटेरियल डाउनलोड करने में आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, वहाँ से मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ आपके दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। तो गाइस वीडियो बनाने के लिए अपने को एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है, उस ऐप का नाम है अलाइट मोशन, तो उसे ओपन कर लीजिएगा। सो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पे अलाइट मोशन ऐप को ओपन करने के बाद ना यहाँ पे प्लस के साइड में प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन है, तो प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। ओके, तो जैसे प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको एक बीटमार्क और एक टेक्स्ट इफेक्ट की दो प्रीसेट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो गाइस उन दोनों को ऐड कर लीजिएगा। दोनों को ऐड करने के बाद बीटमार्क को ओपन कर लेना। ओके, तो यहाँ पे बीट मार्क को ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा, बीट सॉन्ग मार्क मिलेगा। ओके, तो फोटो ऐड करने के लिए प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, मीडिया में जाना और आप जिस फोटो का स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे जो भी मैं फोटो यूज़ करूँगा वीडियो में उस फोटो की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो फोटो को सिलेक्ट करना, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, फिल कॉम्पोजिशन एरिया कर देना है, फोटो इस तरह से आ जाएगी। अब इस वाले एरो पे क्लिक करना है, सॉरी गाइस स्क्रॉल कर लीजिएगा एंड तक आ जाना है और फोटो पे क्लिक करना है, फोटो पे क्लिक करने के बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, तो फोटो एंड तक आ जाएगी जहाँ तक अपना सॉन्ग है। इतना करने के बाद अब अपने को गाइस यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, एक शेप सिलेक्ट कर लेना है, शेप को सिलेक्ट करना है, ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है, फिल कॉम्प्रेशन एरिया कर दीजिएगा, तो जो शेप होता है वो फुल स्क्रीन हो जाएगा। इतना करने के बाद अब फिल कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे यह वाला कलर सिलेक्ट करना है और इस तरह से आप इसको पकड़ के इस तरह से कर लीजिएगा, इसे भी यहाँ पे इस तरह से कर लेना कुछ इस टाइप से, आप अपने टेक्स्ट के हिसाब से अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा। सो इतना करने के बाद जो ब्लैक कलर है ना इधर, इस पर क्लिक कर देना है और इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ये इस तरह से इसको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। अब यहाँ तो आप नीचे का कलर व्हाइट रखना चाहो तो व्हाइट भी रख सकते हो, बट मैं इसे ब्लैक कर लूँगा। ओके, तो यहाँ पे व्हाइट वाले कलर पे क्लिक करना, ब्लैक कर लेना है आप जो कलर, और इसको अच्छे से शेडो को बना लीजिएगा आप एडजस्ट करके। कुछ इस तरह से हमारा शेडो बन के रेडी हो चुका। ओके, अब इस तरह से करने के बाद इसको अपने को एंड में स्क्रॉल करना और शेडो पे क्लिक करना, इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो ये भी यहाँ पे एंड तक आ जाएगा। ओके, सो इस तरह से एंड तक आने के बाद अब अपने को गाइस बैग आ जाना और जो टेक्स्ट इफेक्ट का अपना प्रीसेट होता है ना उस पर क्लिक कर देना। ओके, सो मैं यहाँ पे इसे ओपन कर लिया हूँ। सो ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट मिलेगा। सबसे पहले तो अपने को यहाँ पे फोटो पे क्लिक करना है, फोटो पे क्लिक करने के बाद इफेक्ट वाला ऑप्शन में जाना, थ्री डॉट पे क्लिक कर देना, कॉपी इफेक्ट कर लेना है। इसका इफेक्ट को कॉपी करने के बाद बैग आ जाना और बीट मार्क को ओपन कर लेना है। सो बीट मार्क को ओपन करने के बाद सबसे पहले फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट वाला ऑप्शन जाना, थ्री डॉट में जाना, इफेक्ट को पेस्ट कर लेना है, तो जो इफेक्ट होता है वो अपनी इस फोटो में ऐड हो जाएगा। अब फिर से बैग आना, फिर से बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट के दो लेयर होते हैं दोनों लेयर को सिलेक्ट कर लेना है, इस तरह से यहाँ पे क्लिक करना, इस वाले ऑप्शन पे एंड, यहाँ पे क्लिक करने के बाद कॉपी टू लेयर कर लेना है। सो कॉपी टू लेयर करने के बाद आपको फिर से बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओके, इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर लेना और अपना जो लेयर होता है ना वो लिखना है, तो मेरा फर्स्ट लेयर यहाँ पे स्टार्ट होता है। ओके, तो इस वाले लेयर पे क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करना, इसका एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से ट्रिम कर देना है, चाहो तो आप दूसरा सॉन्ग भी ले सकते हो। तो गाइस सॉन्ग की लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और फोटो की लिंक भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। सिंपली अपना लेयर्स लिखने के लिए यहाँ पे नीचे वाले टेक्स्ट पे क्लिक करना, एडिट टेक्स्ट पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसको डिलीट करने के बाद अपने को यहाँ पे सॉन्ग को लिखना है, तो मैं इसे डिलीट करता हूँ और लिख लेता हूँ, मैं सॉन्ग को पहले से सुन के रखा हूँ। ओके, तो गाइस यहाँ पे इस तरह से लिखने के बाद आपको यहाँ पे
टेको बोल्ट वाली फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना और राइट पे टिक कर देना है। सो जैसे यहाँ पे आप लिख दोगे तो इस तरह से आपका जो ऑलरेडी आ जाएगा। फिर से यहाँ पे नेक्स्ट लेयर लिखने के लिए यहाँ पे आ जाना, फिर से इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना और पेस्ट लेयर कर लेना। फिर से यहाँ पे इस आगे का पार्ट रिमूव करने के लिए फिर से लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना और यहाँ से इसको ट्रिम कर लेना है। फिर से लेयर पे क्लिक करना है, फिर से यहाँ पे क्लिक करना, इसको यहाँ पे ट्रिम करना है। फिर से नेक्स्ट लेयर लिखने के लिए एडिट टेक्स्ट पे जाना, इसको डिलीट करने के बाद नेक्स्ट जो लेयर होता है वो लिख लेना है। तो गाइस मैं लिख लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे इस तरह से लिख लेना, इतना लिखने के बाद फिर से राइट पे टिक करना और फिर से इमोजी वाले लेयर पे क्लिक करना, एड इफेक्ट में जाना है और इस इमोजी को डिलीट करने के बाद आप चाहो तो यहाँ से दूसरी इमोजी भी लगा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ से कोई सी भी जो इमोजी आप ऐड करना चाहते हो उसे ऐड कर सकते हो। तो गाइस आपको इस तरह से सभी लेयर्स को लिख लेना है, तो मैं आपको एक साथ सभी लेयर लिख के दिखाता हूँ। ओके, तो गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पे जैसा सॉन्ग है वैसे ही सॉन्ग के हिसाब से सभी लेयर्स को लिख लिया हूँ। इस तरह से लिखने के बाद वीडियो बन के रेडी हो चुका है, मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके, तो गाइस यहाँ पे आपका वीडियो बन के रेडी हो चुका है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर जरूर करना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।